जय गो माता। हम है रानी सावर गांव में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज गौशाला मारुत्यप्पा कुरियन के खेत में। आप ये जो ज्वारी देख रहे हो इसको दूध मोगरा ज्वारी कहते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में ये ज्वारी आई है। इस पे कोई भी रासायनिक औषधि का इस्तेमाल नहीं किया है। गौ कृपा अमृतम का इसको 3 बार छिड़काव किया है और 1 बार जमीन में दिया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज गौशाला ने जो गोखुर खाद बनाया है माजाकड़े इधर, वही गोखुर खाद का इसे इस्तेमाल किया है। आप इसकी ऊंचाई देख सकते हो, ये मैं इतना बड़ा हूँ, मुझसे भी ये कितनी बड़ी है। ये सब ज्वारी इस तरह अच्छा है, इसका कनिष्क का साइज भी अच्छा है। देश को बचाना है, बचाओ गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। गाय को अगर बचाना है तो गाय आधारित खेती करनी है। और रासायनिक खाद ना डालते हुए, रासायनिक पेस्टिसाइड ना डालते हुए भी बहुत अच्छी मात्रा में ये ज्वारी आ रही है, इसका उदाहरण आप देख रहे हो। जय गौ माता, जय श्री राम, जय गौ माता। हम है रानी सावर गांव में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज गौशाला मारुत्यप्पा कुरियन के खेत में। ये आप जो चने का खेत देख रहे हो, इस चने को कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है। 45 दिन गाय की पुरानी छाछ तांबे के बर्तन में रख के वो छाछ और गौ कृपामृतम उसका छिड़काव इस चने पे हो रहा है। गौ कृपामृतम के बहुत सारे लाभ है। और इस चने को सिर्फ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज गौशाले ने जो गोखुर खाद तैयार किया है, गौ माता का गोबर, गौमूत्र और गौ कृपामृतम से, वही खाद उसको दिया है। और अभी ये दूसरी गौ कृपामृतम की फवारनी आप देख रहे हो। गौ कृपामृतम से देखिए कैसे फूल फल लगे हैं, कितनी अच्छी मात्रा में लगे हैं। ये फवारनी की ट्रैक्टर द्वारा हो रही है। ये 500 लीटर की टाकी है और ये टाकी में 100 लीटर गौ कृपामृतम, 10 लीटर 45 दिन पुराना और तांबे के बर्तन में रखा हुआ छाछ, इसके साथ ये फवारनी हो रही है। जय श्री राम, जय गौ माता। आपको भी गौ कृपामृतम फ्री में मिलेगा। 9421389861। धन्यवाद।